विष्णु कैंटर की तरफ से खुश आमदीद। बेटा भी लेके मैं आज हाजिर हुए, उसका नाम है कॉम्पोनेंट सफे वेक्टर, बुक है फिजिक्स फर्स्ट ईयर की, चैप्टर नंबर है 2। टॉपिक प्रेजेंट किया जा रहा है आपके लिए डॉक्टर शहबाज सईद की तरफ से, पीपल्स कला एसी एजुकेशन अकेडमी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें न्यूज शेयरिंग के लिए या बाकी मामला के लिए, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक लेके मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, टॉपिक है फिजिक्स फर्स्ट ईयर का, और टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। सबसे पहले हमें देखना होगा कि रेक्टेंगुलर किसको कहते हैं, और साथ साथ हम देखेंगे कॉम्पोनेंट जो है वो किसको कहते हैं। तो किसी भी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू है, कोई भी वेक्टर जो है उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है, मोसर कीमत है इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी फर्ज करेंगे ये वेक्टर प्रैक्टिकली इस सिमत में काम कर रहा है। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि इस वेक्टर जो है, फर्ज करें ये फोर्स वेक्टर है, और ये फोर्स वेक्टर की जो कीमत है वो 10 न्यूटन है, तो हम देखना चाहते हैं कि इस सिमत में से एक सिमत जो है वो एक्स एक्सिस है, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। हम देखना चाहते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना काम करेगा, से एक लम्हे के लिए फर्ज करते हैं कि ये 6 न्यूटन है, इसका मतलब इस फोर्स एफ का एक्स डायरेक्शन में, एक्स की सीमत में 6 न्यूटन जो है वो वैल्यू है, चिन्ह 6 न्यूटन के बराबर जो है ये काम कर लेता है। तो सादा लफ्जों में हम कहते हैं कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन ए गिवन डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन ए गिवन डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो बुनियादी तौर पर उसकी मौसर कीमत है किसी भी खास सीमत में, यानी वो खुद उसकी जो कीमत है वो तो उसकी अपनी वैल्यू है, लेकिन किसी और डायरेक्शन में, कोई और सिमत में वो कितना काम कर सकता है, ये उसकी जो है वो आप कह रहे हैं कॉम्पोनेंट है। अब अगर हम देखेंगे तो कॉम्पोनेंट हो गया, लेकिन हमने देखना है रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं, वो कॉम्पोनेंट्स जो आपस में 90 डिग्री जो है का एंगल बनाते हैं, इन कॉम्पोनेंट्स जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, यानी कॉम्पोनेंट्स विच मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। से अगेन जैसे मैंने कहा है, दो हम वेक्टर ड्रा करते हैं, एक वेक्टर ड्रा करते हैं, इसके दो हिस्से लेते हैं, तो कैसे लेंगे हम, उससे डॉटेड लाइन जो है वो नीचे ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक तो हमारा कॉम्पोनेंट जो है वो ये बन जाएगा इस वेक्टर का, ये वो हिस्सा है जो एक्स सिमत में है, से हमने इस वेक्टर को फोर्स एफ से रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो है वो एफ एक्स बनेगा। इसी तरह इस वेक्टर का एक हम डॉट्स जो है वो ड्रा करेंगे वाई एक्सिस में, और एक लाइन अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएं और हेड उसका लगाएं यहाँ पे एरो हेड लगाएं, तो ये बन जाएगा वेक्टर का वाई कंपोनेंट। अब हमने इक्वल वेक्टर में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर जिनकी सिमत जो है ये एक्स कॉम्पोनेंट है, ये वाई कॉम्पोनेंट, और दोनों के बाद एंगल कितना 90 डिग्री, चूँकि एंगल 90 है लिहाजा ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो बन जाएंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है, दोज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, किसी वेक्टर के वो हिस्से जो एक दूसरे के साथ 90 का जाविये बनाते हैं। हमने राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक बात पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि अगर जो है सॉरी इक्वल वैक्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर दो वैक्टर जो हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, सर ये वैक्टर और ये वैक्टर है जिनकी डायरेक्शन सेम और उनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, तो उनको हम इक्वल वेक्टर कहेंगे और वो सेम नाम से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये इक्वल वेक्टर है, ये मसावी वेक्टर है, और ये सेम नेम के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर ये एफ वाई है तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर ये वाला बनेगा उसको भी हम एफ वाई कह सकते हैं। अब इस एफ वाई लेने का हमें क्या फ़ायदा है कि अगर हम सिर्फ इस एफ वाई को लेते हैं तो ये एफ वाई वैक्टर जो है ये बुनियादी तौर पे एक क्लोज शेप ना बनाता, क्योंकि ये ओपन शेप होती है, एफ एक्स इधर है और एफ वाई इधर है, ये
ओपन शेप होती है, उसके लिए हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम इसको लें एफ एक्स और एफ वाई को, तो देखिए उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है और ये जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जाविया थीटा है और ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है ये वाली साइड और ये हाइपोटेन्यूस। तो अब हम पाइथागोरियन थ्योरम जो है बड़ी इजीली इस पे जो हम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम से बड़ी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो असूल हैं यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इस साइड पर लेने के बजाय इस साइड को प्रेफर करते हैं ताकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, यानी 90 डिग्री वाली ट्राइंगल बन जाए। और फिर इस पर हम पाइथागोरियन थ्योरम और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, जिन्होंने देखिए एक वेक्टर था हमारे पास ए, उसको उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये उसका जो है वो ए एक्स हिस्सा है और ए एक्स हिस्से को हमने पहले चैप्टर के शुरू वाले हिस्से में पढ़ा होगा कि ए एक्स तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये ए वाई जे होगा, हम वाई कॉम्पोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जे जो है वो, लेकिन यही ए वाई जे जो है वो इस जगह पे भी अप्लाई किया जा सकता है, यानी वहाँ से निकाल के इस जगह पे भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम हेड टू टेल रूल से देखें तो ये चूंकि ए एक्स है और ये वाला पार्ट ए वाई है, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ए वेक्टर जो है वो बराबर होगा ए एक्स आई जमा ए वाई जे, ठीक है। और अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल से निकालें तो राइट एंगल ट्राइंगल से हमें पता है कि जो कॉस थीटा है वो बराबर है बेस ओवर हाइपोटेनस। और अगर आप इसकी बेस देखें तो इसकी बेस जो है वो ओ एम है और हाइपोटेनस जो है वो ओ पी है। और सादा लफ्जों में उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर है, अब ओ एम जो है इसको हमने ए एक्स कहा हो बटा ए, और इस ए को हम इधर ले जाते हैं तो ए एक्स बच जाएगा, ये ए एक्स ये वेरिएशन बनेगा, ए एक्स ए जो है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा ए एक्स बराबर है ए कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम जो ए एक्स निकालेंगे, इसी तरह हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। अब परपेंडिकुलर इसमें अगर आप देखें तो ये एम पी है और हाइपोटेनस जो है वो ओ पी है, और इसको हम एम पी बुनियादी तौर पर ए वाई था और ओ पी जो है वो ए था। सादा लफ्जों में साइन थीटा बराबर है ए वाई बटा ए। अब इसमें से अगर हम ए ए जो है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो ए वाई ये रिलेशन है, ए वाई बराबर है ए साइन थीटा। तो इस तरह हम रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स को जो है अगर हम उसको हेड टू टेल रूल से जमा करें तो ए बराबर है ए एक्स आई जमा ए वाई जे, और हमारे पास जो है वो अगर हम ए एक्स निकालना चाहें तो ए एक्स बराबर है ए कॉस थीटा के और ए वाई निकालना चाहें तो ए साइन थीटा के। आई स्कूल टॉपिक्स को रीड करते हैं और जो इसमें बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इफेक्टिव वैल्यू इन ए गिवन डायरेक्शन, एक तो ये आपके पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की जो है वो डेफिनेशन आ गई। और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू, ये इसकी जो है वो मौसर कीमत है, गिवन डायरेक्शन दी गई थी।
इफेक्टिव मोअसर को कहते हैं। इफेक्टिव का मतलब है मोअसर, ये जो असर कर सके उस सिमत में जिस सिमत में आप उसको देखना चाहते हैं। और उसके बाद जो है वो कि अगर कंपोनेंट्स को मिला लें तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो अ वेक्टर में भी कंसिडर्ड एज ए रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स वेक्टर, वेक्टर को हम कह सकते हैं कि उसका रिजल्टेंट है, मजमूआ है कंपोनेंट्स का, अलॉन्ग स्पेसिफाइड डायरेक्शन दी गई सिमटम में। इट इज़ यूजली कन्वीनियंट, ये आम तौर पर आसान है, कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान, तो ये आम तौर पर आसान है टू रिजॉल्व अ वेक्टर इंक्लूड कॉम्पोनेंट्स, कि आप वेक्टर को उससे कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे अलॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन उमदन से वेक्टर। सच कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, ऐसे कॉम्पोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स कहते हैं। लेट जे बी वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाई ओ पी मेकिंग एंगल थीटा। फर्स्ट कहें वेक्टर ओ पी है जो थीटा जाविया बना रहा है बेस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ विद द एक्स एक्सिस। ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ कोण, प्रोजेक्शन ऑफ कोण साया बनाए, इधर भी साया बनाएंगे इधर भी साया बनाएंगे। ड्रॉ प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ वेक्टर ओ पी, वेक्टर ओ पी की प्रोजेक्शन ओ एम बनाइए ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे। एन प्रोजेक्शन ओ एन, ये ओ पी बनाइए हमने ओ एम, सॉरी ओ एम प्रोजेक्शन जो है ये क्या है बेसिकली एक्स एक्सिस पे, और पी एन जो है वो वाई एक्सिस पे है। ऑन एक्स एक्सिस ओ एन ऑफ द वेक्टर ओ पी ऑन वाई एक्सिस, और ओ एन जो है ये क्या है असल में पॉइंट पी से वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है। एस शो इन द फिगर, जैस चक्र में दिखाया प्रोजेक्शन ओ एम बींग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एक्स आई, जो प्रोजेक्शन ओ एम है ये वाली उसे ए एक्स आई कहेंगे। एंड प्रोजेक्शन ओ एन इजिकल टू एम पी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वाई जे उसे वाई जे से। अब अगर हेड टू टेल उसे दोनों को जमा कर दिया जाए तो ए इजिकल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, दस ए एक्स आई एंड ए वाई जे आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। सिंस दीज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, चूंकि एक दूसरे से 90 के जावी पे हैं, हेंस दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए, इन्हें ए के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि एंगल इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री है एंगल, और हमने एंगल ही के बुनियाद पर जो है वो कहना था कि ये कौन सा कॉम्पोनेंट है। कंसिडरिंग द राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी, अब ओ एम पी को राइट एंगल ट्राइंगल आप सब करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स आई और एक्स कॉम्पोनेंट इज ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया कि एक्स ए कॉस थीटा कैसे आया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपको इंडिकेट करेगा कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, एंड दैट ऑफ ए वाई जे, और ये वाला पोर्शन आपको बताएगा ये वाला कि ए वाई जे जो है वो दैट ऑफ ए वाई जे और वाई कॉम्पोनेंट फेज, तो वो ए वाई इजिकल टू ए साइन थीटा। ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी, अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।